मथुरा में पहले मंदिर में नमाज और फिर मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा गया। अब उत्तर प्रदेश के ही बागपत जिले में भी ऐसा मामला सामने आया है। इस बार भाजपा कार्यकर्ता मनुपाल बंसल ने विनयपुर की मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बताया जा रहा है कि बंसल ने मौलाना अली हसन की रजामंदी से ही मस्जिद में पाठ किया था। मामला मंगलवार का है। बंसल ने सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट भी किया था। वहीं मुस्लिम समाज ने मौलाना अली हसन को मस्जिद से निकाल दिया है। गुपचुप तरीके से हुई मुस्लिम समाज की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके बाद मौलाना गाजियाबाद के लोनी चले गए हैं। उधर बंसल का कहना है कि मौलाना को निकालने का फैसला गलत है, उन्होंने तो भाईचारे का संदेश दिया था। मौलाना ने भी बंसल के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया था। पुलिस को दिए गए बयान में मौलाना ने कहा कि बंसल गांव के ही रहने वाले हैं और परिचित हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं चाहते हैं। 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में दो मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना के बाद ही मथुरा में भी बरसाना रोड पर स्थित मस्जिद में चार युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।